1945 में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट अमेरिका ने ट्रिनिटी साइट पर किया, जिसकी यील्ड यानी कि पावर 25,000 किलोग्राम TNT के बराबर थी। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसमें नॉर्मली एक यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम के एटम को तोड़ करके एनर्जी बनाई जाती है। इसके कुछ ही सालों बाद में 1952 में अमेरिका ने ही दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है, उसे टेस्ट किया। लगभग उसी साइज के बॉम्ब की यील्ड 1,000 करोड़ किलो TNT से ज्यादा थी। हाइड्रोजन बॉम्ब में एटॉमिक बॉम्ब से बिल्कुल अपोजिट मेथड का यूज किया जाता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इसमें एटम्स स्प्लिट होने के बजाय जुड़ जाते हैं। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो ए बॉम्ब यानी कि एटॉमिक बॉम्ब के कंपैरिजन में कहीं 1,000 गुना ज्यादा होती है। फ्यूजन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के माध्यम से, जबकि अभी तक फ्यूजन के लिए ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है।